एक घंटे से वेट कर रहे हैं सर्जरी में लेकर जाने मेरे भाई को। डॉक्टर कहाँ है? मैम एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है, पर ना वो आ चुके होते अभी तक। पर्सनल प्रॉब्लम थी तो ऑपरेशन आज क्यों स्केड्यूल किया? मैम ही इज द बेस्ट डॉक्टर वी हैव। बेस्ट होने का क्या फायदा जब वो टाइम पर ही नहीं आ सकते। सब ठीक है? किसी की जान की फिक्र नहीं है आपको? हम आपका आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। I'm really sorry. Don't worry, I'll take care of it. How can you be so casual? Private में लाने का क्या फायदा था? बस पैसों से मतलब है आपको? तुम OT ready करो, मैं आ रहा हूँ। Excuse me. ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आप मेरे भाई को कब डिस्चार्ज कर देंगे? ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वार्ड बॉय से ले। मैम आपके भाई को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। ये डॉक्टर कितने बदतमीज हैं, एक तो लेट आए हैं और ऊपर से सही से बात भी नहीं कर रहे। मैम मुझे आपको बताना तो नहीं चाहिए मगर डॉक्टर की बेटी कल रात डेथ हो गई है। हम लोगों ने कहा भी था कि रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, बट ही इंसिस्टेड कि काफ़ी क्रिटिकल केस है, मैं ही हैंडल करूँगा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके ब्रो। एक्सक्यूज मी सर। हो या स्टाफ ने बताया आप यहाँ हैं। ओके, तुम्हारा भाई अब खतरे से बाहर है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा एक हफ्ते में। थैंक यू सर, आपने उसकी जान बचाई। एंड आई एम सॉरी मैंने आपसे बदतमीजी से बात करी। एट टाइम्स हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं। वेल इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स। बदतमीजी से किसी से भी बात करने से पहले अगर हम एक बार सोच लें कि दूसरे इंसान की लाइफ में भी शायद कोई प्रॉब्लम हो या सिचुएशन हो, तो आई थिंक लाइफ सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। I'm sorry for your loss. It's okay. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।